आप सभी का स्वागत है इंग्रेडिएंट एक और डिशेज लेने के एक और एपिसोड के अंदर। आज हम बनाने वाले पालक से दो डिशेज। सबसे पहले बनाएंगे हम हरा भरा कबाब। उसके लिए आप सबसे पहले घी के अंदर जीरा, अजवाइन, हींग और साथ में अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाल के पका लें, और उसके बाद आप इसके अंदर डाल दें मटर, जिसको आपको अच्छे से पका लेना है। मटर को आप घी में अच्छे से पकने दीजिए और साथ में डाल दीजिए आप इसके अंदर पालक, और पालक को डालने के बाद मटर के साथ इसको अच्छे से मिक्स करिए और साथ में पानी डाल के इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दीजिए। ढक के पकाने से हमारे पालक और मटर अच्छे से पक जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए अब मसाला बना लेते हैं अपने कबाब के लिए। गरम मसाला ले लीजिए, साथ में जीरा पाउडर डालिए आप इसके अंदर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर लिया है मैंने, और उसके बाद मैंने इसके अंदर अमचूर पाउडर डाला। आप इसके अंदर चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। देन आप खड़े मसालों के अंदर मैंने बड़ी इलायची और छोटी इलायची के दानों को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आप इसके अंदर चाहे तो जायफल और जावित्री का भी पाउडर डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे मटर और पालक इतने अच्छे से पक रहे हैं। आप थोड़ी देर और पका लीजिए इनको, जब तक कि सारा पानी इवेपोरेट ना हो जाए और आपके मटर और पालक अच्छे से पकना जाए। और इसके अंदर आप अपना मसाला डाल दीजिए जो हमने अमचूर वाला बनाया था, और इसको मिक्सी के जार के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसकी फाइन पेस्ट बना लीजिए। और अब आप इसके अंदर इलायची का पाउडर डाल दें जो हमने बनाया था, और साथ में डाल दें आप इसके अंदर जायफल जावित्री का पाउडर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और इसके बाद मैश करे हुए आलू को डाल दें इसके अंदर बाइंडिंग के लिए। और आप देखें, सबसे पहले आप एक आलू डालें, अगर अच्छे से बाइंडिंग हो रही है तो दूसरे आलू की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कबाब का जो बैटर होता है वो थोड़ा ढीला ही होता है, जिससे कि बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं कबाब। अगर आपसे नहीं हैंडल हो पा रहा तो एक और आलू डाल दीजिए, और इसको अच्छे से देखें घी के अंदर, ऊपर से चाट मसाला डाल के सर्व करें। और नेक्स्ट रेसिपी होने वाली है हमारी पालक पत्ता चाट की। उसके लिए सबसे पहले हम एक मसाला बना रहे हैं, उसके लिए आप जीरा, अजवाइन ले लें, काली मिर्ची को अच्छे से भून लें। आपको इस मसाले को जब तक पकाना है कि वो अच्छे से ब्राउन ना हो जाए, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और उसके बाद आप इसको कूट लें। साथ में डाल दें आप इसके अंदर चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, काला नमक, और इसको अच्छे से कूटने के बाद साइड में रखें। देन हम पालक पत्ता चाट के लिए बैटर बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम पालक को डुबो के फ्राई करेंगे। उसके लिए आप बेसन ले लें, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालें, अजवाइन, नमक, लाल मिर्ची, और पानी डाल के आपको पतला बैटर बना लेना है, जिससे कि पालक के ऊपर एक पतली सी कोटिंग हो। ज़्यादा मोटी कोटिंग होगी तो हमारी पालक ज़्यादा क्रिस्पी नहीं रहेगी। देन पालक के पत्ते को आपको अच्छे से धो लेना है, और उसके बाद इसको टिश्यू पेपर के ऊपर अच्छे से ड्राई कर लेना है, और घी के अंदर या तेल के अंदर आप इसको बैटर के अंदर डुबो के फ्राई कर लें कि जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप पालक के पत्ते को अच्छे से सेकिएगा, जिससे कि ये बहुत टाइम तक कुरकुरी रहेगी। और उसके बाद इसको एक प्लेट के ऊपर ट्रांसफ़र करें, और ऊपर से आप दही डालनी है। दही को डालने से पहले आप दही को अच्छे से विस्क कर लें, और अगर आपकी दही खट्टी है आप इसके अंदर चीनी का पाउडर डाल दें, जिससे कि दही थोड़ी आपकी मीठी हो जाएगी। और उसके बाद अपने पालक के पत्ते के ऊपर सबसे पहले आप दही डाल दीजिए, साथ में हरी चटनी डालिए और मीठी चटनी भी डालिए, और उसके बाद जो हमने मसाला बनाया था वो स्प्रिंकल करके इसे सर्व करें। थैंक फॉर वॉचिंग, एन्जॉय।